तो गाइज आज हम लेकर आए हैं 27x60 फीट का हाउस प्लान। मॉडर्न हाउस प्लान रहेगा। एस्टिमेटेड इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 14 लाख रहेगी। कोठी टाइप नक्शा है। रेंट पर्पज के लिए आप इसको बना सकते हैं। पार्किंग स्पेस रहेगा आपके पास। ड्राइंग रूम है। नंबर ऑफ बेडरूम्स 3 रहेंगे। नंबर ऑफ टॉयलेट्स 2 है। स्टेयर केस आउटसाइड से किचन डाइनिंग एरिया है आपके पास। यूटिलिटी एंड वरेंडा एरिया रहेगा। प्लॉट एरिया देखेंगे 1620 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। 3 BHK हाउस प्लान विद सेपरेट ड्राइंग रूम। सो इट्स अ 4 रूम सेट हाउस प्लान। 180 गज के अंदर हमने आपको 4 रूम निकाल कर दिए हैं। सो प्लान को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें सो दैट हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो ये ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम चलेंगे हमारे प्लान की तरफ, जो कि है 27x60 फीट का हाउस प्लान। फ्रंट साइड ओनली रोड है दोस्तों, बाकी इधर तीनों साइड इधर प्रॉपर्टीज हैं। सो उसी हिसाब से हमने इसकी प्लानिंग की है। प्लॉट की एरिया डिटेल्स देखेंगे तो 1620 स्क्वायर फीट का नक्शा है। 180 गज का मकान रहेगा। स्लैब एरिया जो रहेगी आपकी कवर की है जो हमने 1250 स्क्वायर फीट रहेगी। आपके पास रैम्प है। रैम्प से आप एक्सेस कर रहे हैं अपने मेन गेट के अंदर। ये आपका मेन गेट रहेगा, इससे आप एक्सेस करेंगे अपने फ्रंट सेटबैक के अंदर, जो कि है 8 फीट वाइड ओपन स्पेस। इसको आप एज एन फ्रंट लॉन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, बाकी स्पेस को आप यहाँ पे पार्किंग के तौर पे यूज करेंगे। राइट साइड में देख रहे हैं 4 फीट 6 इंच वाइड पैसेज है, जो कि एक्सेस करेगा आपको घर के अंदर सीधा लॉबी के अंदर। ये आपकी घर की जो है मेन एक्सेस रहेगी। ये आपके ड्राइंग रूम की एक्सेस रहेगी। 10.5x12 फीट का आपके पास ड्राइंग रूम का साइज आ रहा है दोस्तों। इस तरीके से आप सी टाइप में अपनी सोफा सेटिंग करें, सामने वाली वॉल पर टीवी पैनल लगाएं, या वरांडे के थ्रू आप एक्सेस करेंगे इस ड्राइंग रूम को। एल शेप की आपको विंडो प्रोवाइड की गई है। ओपनिंग के थ्रू आप अपनी लॉबी स्पेस के अंदर जा सकते हैं। सेकेंड एंट्रेंस की तरफ चलें तो दोस्तों वरांडा मिलेगा आपके पास। 4.5x4 फीट का वरांडा है। 2 स्टेप्स के बाद आप इस तरीके से आप चलेंगे अपने प्लिंथ लेवल पर पहुंच जाएंगे। इससे आप एक्सेस करेंगे अपनी स्टेयरकेस लॉबी को। सो आपके पास स्टेयरकेस लॉबी है, सेपरेट लॉबी है, सेपरेट एंट्रेंस है। सो इसके लिए अगर आपको रेंट पर्पस बनाना है इस मकान को, तो आप वो इस नक्शे को ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अब चलेंगे फॉर द अपर फ्लोर्स एंड यहाँ से आप अब चलेंगे अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ। स्टेयरकेस के विड्थ की बात करें तो 3 फीट 3 इंच वाइड आप अपनी स्टेयरकेस की विड्थ रखें। 10 इंच का ट्रेड रखें। राइजर की और फ्लोर टू फ्लोर हाइट के हिसाब से आप अपनी रखें। 6 से 7.5 इंच मैक्सिमम आप अपने फ्लोर टू फ्लोर जो है राइजर के हाइट रख सकते हैं। तो यहाँ से आप एक्सेस करेंगे अपने पैसेज में। लगभग 8.5x7 फीट का आपको पैसेज मिल रहा है, जिससे आपको कॉमन टॉयलेट का एक्सेस मिलेगा। नीचे आपको एक बेडरूम का एक्सेस मिल रहा है एंड पीछे आपका जो है डाइनिंग स्पेस उसका एक्सेस आपको मिल रहा है। सबसे पहले चलेंगे हम हमारे बेडरूम की तरफ, जो कि पैसेज से आप एक्सेस कर रहे हैं। 3 फीट का आपको दरवाजा मिलेगा यहाँ पर। इससे आपको यहाँ पे अलमीरा मिलेगी। यहाँ पर आप बेडिंग करें, सामने वाली वॉल पर टीवी पैनल लगाएं। फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप विंडो प्रोवाइड करेंगे एंड अगर आपको रिक्वायर्ड है तो एक दरवाजा भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इस बेडरूम के लिए, जो कि सीधा एक्सेस करेगा आपको फ्रंट लॉन में या फिर आपको बाहर एंट्री एग्जिट के लिए। फिर कॉमन टॉयलेट है दोस्तों। 2.5 फीट के दरवाजे के थ्रू आप कॉमन टॉयलेट के अंदर एक्सेस करेंगे। 5 फीट बाय 6.5 फीट की डायमेंशन के साथ आपको टॉयलेट का साइज मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे आपको शाफ्ट प्रोवाइड की है, जिससे टॉयलेट जो है वो वेंटिलेट हो पाएगा। शाफ्ट के साथ में हमने आपको एक वॉश बेसिन लगा कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस डाइनिंग एरिया, जो कि आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। टॉयलेट के लेआउट की बात करें तो यहाँ वॉश बेसिन लगाएंगे, फिर आपके पास WC रहेंगे एंड इस वॉल पे आपके वाटर टैप्स रहेंगे एंड आप अपने बेदिंग पर्पसेज फुलफिल कर पाएंगे। सो आगे की तरफ चलेंगे। लॉबी स्पेस मिल रहा है आपको लगभग 15.5 बाय 9.5 फिट के आसपास का स्पेस मिल रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे आप क्रॉकरी यूनिट लगाएं। इस वॉल पे आप अपनी जो है डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। तो पीछे आप देखेंगे 2 बेडरूम प्लस एक आपको किचन और है, जो कि लॉबी से आप एक्सेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा बेडरूम। इस लॉबी से आप एक्सेस कर रहे हैं बेडरूम के अंदर, जो आपको साइज मिल रहा है 10.5 बाय 12 फीट 3 इंच का आपको बेडरूम का साइज मिलेगा। इस तरीके से आप बेडिंग करें, सामने वाली वॉल पर टीवी पैनल लगाएं। इस वॉल पर आप अपनी अलमीरा प्लेस कर पाएंगे एंड यहाँ से पैसेज के थ्रू आप एक्सेस करेंगे अपने टॉयलेट के अंदर। 4.5 बाय 7.5 फीट का आपको टॉयलेट का साइज मिलेगा। 2.5 फीट के दरवाजे के साथ आप टॉयलेट में एंट्री करेंगे। ये वॉश बेसिन मिलेगा, फिर WC मिलेगी आपको यानी ये आपका बेडिंग एरिया रहेगा। ये वरांडा है दोस्तों। विंडो के थ्रू आप यहाँ पे अपना अगर कूलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसका प्रोविजन आपको मिलेगा। सीधे आपको डायरेक्ट हवा जो है, बेडिंग इसी तरीके से की गई है सो दैट आपको क्लियर हवा मिल पाए। थर्ड बेडरूम की तरफ चलेंगे। 10.5 बाय 11 फीट का आपको बेडरूम का साइज मिल रहा है। इस तरीके से आप एंट्री करेंगे, यहाँ बेडिंग करेंगे, सामने वाले वॉल पे आप टीवी पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको अलमीरा मिलेगी। टॉयलेट की बात करें तो वो इस लॉबी के थ्रू इस टॉयलेट को एक्सेस करके इस टॉयलेट को यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में आपके पास एक बचता है स्पेस किचन का। हमारे पास 6 फीट बाय 11 फीट का आपको किचन का साइज मिल रहा है। ओपनिंग के थ्रू आप किचन के अंदर एंट्री करेंगे। एल शेप के आपके पास स्लैब मिलेगी। लेआउट की बात करें तो यहाँ पे गैस स्टोव रहेगा। चिमनी के थ्रू डायरेक्ट वेंटिलेट हो जाएंगे चिमनी। इस स्लैब पे आपको सिंक मिलेगा। यहाँ पर आपको रेफ्रिजरेटर प्लेस किया गया है।
बेडरूम के थ्रू आप पीछे एक्सेस करेंगे, 8 फीट 6 इंच वाइड आपका रियर सेटबैक एरिया है, जिसके अंदर आप 5 फीट 1 के आसपास जो है वो अपना बरंडा छोड़ेंगे, बाकी जो स्पेस है वो एज एन यूटिलिटी एरिया आप प्लेस कर सकते हैं। तो गाइस 27x60 फीट का हमारा हाउस प्लान था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लान कैसा लगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय।